अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप खुश हैं, ठीक हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ईस्ट रखी हुई है। तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा का सबसे पहले हम जो हैं वो डो बनाएंगे। और डो पहले भी मैंने अपनी ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है शेयर की हुई है, और मैं दोबारा इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, ईस्ट, ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। और जो इसके अंदर फिलिंग होगी वो फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो मैं ये जो मैंने कप रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये 4 कप मैं इसमें मैदा डालूँगी। और मैदे की जो भी क्वांटिटी होगी ना, 4 कप जैसे मैदा है, तो मैं इसमें 4 जो है ना टेबल स्पून ईस्ट ऐड करूँगी। और 4 टेबल स्पून जो है ना, सॉरी, 4 टीस्पून जो है मैं ईस्ट ऐड करूँगी। और 4 टीस्पून जो है मैं ऑयल जो है इसमें ऐड करूँगी। और 4 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के मुताबिक हम डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 1.5 टीस्पून भी सही, लेकिन 1 टीस्पून इज़ मोर देन एनफ। तो हम 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा निकालेंगे बाउल में। मैं 4 कप मैदा इसमें निकालती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये 4 कप लास्ट है, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया, सही है। और इसके अंदर बस अभी मैंने जैसे कि बताया कि 4 जो है वो टीस्पून ऑयल जाएगा, 4 टीस्पून ईस्ट जाएगी। मेरे पास ये ईस्ट है, और ये ईस्ट का मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। एक जो है वो दूसरा मिलता है छोटा ईस्ट का पैकेट, इंस्टेंट ईस्ट मेरे पास होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी, ये इंस्टेंट ईस्ट का ये छोटा पैकेट है। ये इस तरह से होता है कि ये एक दफ़ा ये आप ओपन करते हैं ना, तो ये पूरा इसके अंदर यूज़ हो जाता है। इसमें 4 टीस्पून ही होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये भी ले आई थी, तो मैं आज इसको ओपन करूँगी और इसको देखती हूँ कि ये किस तरह की ईस्ट है। और शुगर जो है वो 4 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी और सॉल्ट डालूँगी। फिर मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डाल के और मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें ड्राई जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, शुगर भी, ईस्ट भी और सॉल्ट भी, ठीक है। तो ये देखें, मैं आपको ये दिखा दूं कि इंस्टेंट ईस्ट के जो पैकेट्स हैं ना छोटे, आप लोग वही लिया करें, वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। क्योंकि ये जिससे मैंने बड़ा पैकेट लिया, ये एक दफ़ा खुलने के बाद ना, इसको मैंने अभी एयर टाइट जार में बंद करके रखना है, क्योंकि फिर दूसरी दफ़ा जो है अगर इसमें एयर टाइट नहीं होगा ये, तो फिर ये सही तरह से ईस्ट जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो इस वजह से जो इंस्टेंट ईस्ट के जो छोटे पैकेट मिलते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने इसमें डाले हैं, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर ऑयल जो है वो 4 टीस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी लिया है, 1 कप जाएगा इसमें, और थोड़ा सा, आधे कप से थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 कप आपने पूरा लेना है और आधा कप जो है वो उससे थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। तो उसके साथ मैं इसको अभी स्पून के साथ ही सारा जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको जो है ना ऑयल की ज़रूरत पड़े, पहले तो हमने स्पून के साथ मिक्स करना है, उसके बाद फिर हमने इसमें हाथ यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको अभी इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। एक्चुअली जो मेरे पास मेरी स्टैंड है ना, वो मैं इस्लामाबाद में ही भूल आई हूँ, और अभी यहाँ पे जो है ना मैंने स्टैंड अभी तक नहीं ली, तो इस वजह से मुझे जो है वीडियोस रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें जो है ना मिक्स करके दिखाती हूँ पानी। और बिल्कुल भी इसको सिर्फ आटे की तरह इसको गूंदना है, उसके बाद थोड़ा सा ना टी स्पून जो है वाटर ऐड करते करते, तो आटे की तरह ही, लेकिन आटा जो है बिल्कुल हम हार्ड सा गूंदते हैं ना, ये उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, नहीं आप उसको कुछ भी करना है, ठीक है।
अच्छा जी, ये देखें, ये सारा मैंने स्पून के साथ इसको मिक्स किया है। इस तरह से इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक कप इसमें पानी डाला है और दूसरा कप देखें भरा हुआ था, दूसरा कप, और दूसरा कप आधा इसके अंदर पानी का गया, मतलब 1.5 कप इसके अंदर वाटर ऐड करना है। अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से फाइन करूँगी और इसमें हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हम ऑयल रख लेते हैं साथ में, ये ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाथ से इसको अच्छी तरह से फाइन जो है इसको गूंदना है और फिर हम इसको कवर करके रखेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आपके पास? अच्छा, मैं देती हूँ आपको मोबाइल। और ये देखें, सिर्फ मैंने जो है हाथ पे ऑयल लगा के और इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है उससे। ठीक है, अब बस इसको मैं कवर करके, 1 घंटे के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। 1 घंटे के बाद हम दोबारा से इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हमने 3 घंटे इसको कवर करके रखना है। उसके बाद हमारी जो पिज़्ज़ा की डो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका शेप कैसा आया है। और जब तक हमारी डो राइज हो रही है, तब तक हम ऐसा करते हैं कि मैं चिकन कट कर लेती हूँ। इसके अंदर जो मैं फिलिंग करूँगी, तो ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब इसको मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी और इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं योगर्ट थोड़ी सी डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और टिक्का मसाला डालूँगी। ठीक है, तो इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रख के छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको देगची में डालूँगी और कुक करूँगी। तो वो चिकन जो है हम पिज़्ज़ा में डालेंगे। और दूसरा मेरे पास हैं ये सॉसेजेस हैं। ठीक है, तो ये भी मैं इसमें कट करके, ये सॉसेजेस भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और आधा घंटा हो गया है, तब तक आधे घंटे में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो डो है वो कितनी अच्छी राइज हुई है। ये देखें, इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखें कितनी अच्छी राइज हो गई है। अभी मैं इसको आधा घंटा और छोड़ूंगी, ये आधे घंटे में सिर्फ इतनी राइज हुई है। उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगी और 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना चिकन जो है वो कट कर जी, तो मैंने चिकन जो है इसको इस तरह से कट कर लिया। ये देखें, छोटी छोटी पीसेस में मैंने चिकन को कट कर लिया। आप इसके अंदर कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से, जिस तरह टिक्का है, टिक्का खाली बना के उसको जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर आप डाल सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने ये चिकन जो है वो इस तरह से अभी कट कर लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक दोनों का पेस्ट डालूंगी। ठीक है, और उसके साथ मैं इसमें 4 टेबल स्पून डालूंगी योगर्ट। ठीक है, ये योगर्ट है मेरे पास, ये डालूंगी और ये वाली योगर्ट है। तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून इसके अंदर जस्ट मैं योगर्ट ऐड करूँगी और टिक्का मसाला 2 टीस्पून मैं इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड करूँगी और 15 मिनट छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको कुक कर लूँगी। और ऑयल इसके अंदर डालना है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ठीक है, और ये मैंने चीज़ निकाल के रखी है,
साथ में जब मैं पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ डालूंगी तो ये मेरे पास चीज़ है, ये चेडर चीज़ है और ये जो है इसके स्लाइसेस हैं। सो कहना आप क्या कर रही हो बेटा, ऐसे कर रही हो? ओ तो ये मैंने इसमें चीज़ जो है वो श्रेडेड चीज़ है, ये देखें, ये चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी। एक तो इसके अंदर पिज़्ज़ा के अंदर जो है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बेस्ट लगती हैं, बहुत ही इसके साथ चीज़ ही बनता है। लेकिन मेरे पास तीन चीज़ हैं, तो ये जो है क्रश चीज़ हुई हुई है पहले से, ये जो है ना क्रश हुई हुई है चीज़। तो ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये है चेडर चीज़ और ये भी कोई चीज़ है। तो ये वाली जो है मैंने दो जो हैं ये इसके अंदर चीज़ डालूंगी, और ये जो हैं स्लाइसेस हैं जो हम बर्गर के अंदर ऐड करते हैं, तो ये स्लाइसेस भी मैं इसके अंदर डालूंगी। तीन चीज़ मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा जो है वो चीज़ ही बनाना है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ इसके अंदर तीन चीज़ बनाऊंगी। क्योंकि पिज़्ज़ा भी काफ़ी बड़ी साइज़ के होंगे, दो पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, तो पिज़्ज़ा बड़ी साइज़ के होंगे तो ये चीज़ जो है वो उसके लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो बस अभी मैं जो है ये चीज़ मैंने निकाल के रखी है क्योंकि फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, थोड़ी सी ये मेल्ट हो जाए इस वजह से मैंने इसको अभी निकाल लिया है। बस अभी मैं चिकन अपना मैरिनेट करके रखूँगी, चिकन तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है ये, और अभी हम मिक्स करते हैं इसको। ये देखिए आधा घंटा, एक घंटा हो चुका है इसको। ठीक है, अभी मैं इसको स्पून के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको कवर करके रखूँगी 3 घंटे के लिए। ठीक है, स्पून के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 3 घंटे आप इसको छोड़ दें। 3 घंटों में ये और ज़्यादा राइज हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसके जो हैं वो 2 पेड़े बनाएंगे और पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स था, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी रेसिपी जो है वो लिखी हुई है, आप लोग वहाँ पर भी तो जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरी रेसिपी पिज़्ज़ा की देख सकते हैं। पिज़्ज़ा के डो की मेन जो है वो डो होता है इसका, पिज़्ज़ा का, जो कि अच्छा बनना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं चिकन बनाती हूँ, अपना चिकन बनाने के बाद फिर मैं आपको दोबारा मिलते हैं। ये जी मैंने चिकन जो है वो सारा मैरिनेट कर दिया है और 15 मिनट के बाद बस मैं इसको अभी कुक कर लूँगी। और हमारे डो को 3 घंटे हो गए हैं, बस अभी जो है मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह से राइज हो गया है सारा, इसको बस मैं अच्छी तरह से इसको गून के अभी इसे मैं 2 पेड़े बना लूँगी, और ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस कॉर्न वगैरह कॉर्नस हैं तो वो मैं आप और ये जी है हमारा डो, और ये बहुत अच्छी तरह से राइज हुआ है। इसके मैं 2 पेड़े बना लूँगी क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। ठीक है, और इसको मैं जो है ना इसके 2 पेड़े बना के इसको 15 मिनट्स के लिए जस्ट छोड़ दूँगी, तो वो डबल राइज हो जाएंगे। और साथ में मैंने बस ये चिकन, और ये चिकन जो मैंने बनाया था आपको दिखाया था मैंने, ये साथ में मैंने चिकन बना लिया जो मैं इसकी फिलिंग करूँगी, और साथ में ये स्वीट कॉर्नस है मेरे पास, ये इसके अंदर डालूँगी, और ये है जी पिज़्ज़ा सॉस। इसमें आप ख़ुद भी पिज़्ज़ा सॉस बना के डाल सकते हैं, केचप भी ऐड कर सकते हैं, और जो है वो कुछ भी आप इसके अंदर ना ख़ुद से भी आप पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। तो इसको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ेंगे, और इसके बाद बस मैं पैन में बना रही हूँ, तो फिर मैं बस पैन में इसको रेडी करूँगी। तो डो जी हमारा राइस हो गया है, लेकिन डबल हो गए हैं, और अभी हम पिज़्ज़ा बना एक साइड से ही पिज़्ज़ा हो गया। अब इसको हम टर्न करेंगे, और जो इसकी बैक साइड है ना नीचे वाली साइड, इस पे हम सारा कुछ बैटर लगाएंगे।
जी, तो ये पिज़्ज़ा एक साइड से कुक हो गया था, उसको मैंने टर्न कर लिया है और नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, ऊपर मैंने इसके चिकन डाल दिया है। और मेरे पास है ये कैप्सिकम येलो और रेड, और जो है कॉर्नस हैं कुछ। तो अभी मैं पहले इसके ऊपर चीज़ डालूंगी, उसके बाद फिर हम उसके अंदर ये डालेंगे, और जो सॉसेजेस हैं वो दूसरे पिज़्ज़ा में मैं ऐड करूंगी। ये जी पूरी टॉपिंग हो चुकी है इसकी, चीज़ भी मैंने डाल दी है, कॉर्नस भी और कैप्सिकम भी, और बस अभी हम इसको कुक होने के लिए रखेंगे। और हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी है, और ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है और ये नीचे से भी बिल्कुल कुक हो चुका है। और देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे दोनों पिज़्ज़ा जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इसमें मैंने सॉसेजेस नहीं डाली हैं, इसके अंदर मैंने सॉसेजेस भी ऐड किए हैं, चिकन भी ऐड किया है और सॉसेजेस भी ऐड कर लिए हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है पिज़्ज़ा का। और जी ये थी मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी, और आप लोगों को मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है। ये है कि डो को थोड़ा सा राइज होने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आप सिर्फ डो को प्रिपेयर करके और छोड़ दें और दूसरे घर के काम कर लिए, इतने में जो है वो डो भी राइज हो जाती है और बिल्कुल जल्दी क्विक से ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। ओवन के बग़ैर भी आप इसको बना सकते हैं, ओवन में भी आप इसको बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में और नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।